हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच क्यू गेमिंग स्टूडियोज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, कुछ दिन पहले आप सब दोस्तों से मैंने पूछा था कम्युनिटी के अंदर कि भाई क्या आप लोगों को रियल क्रिकेट 24 का पैच चाहिए, मतलब क्या मेरे को पैच बनाना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हाँ भाई पैच बनाओ आप। तो गाइज़, आज इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप लोग क्या रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर सच में फ्री में जर्सी वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करके खेल पाओगे या फिर नहीं, यानी पैच इंस्टॉल करके अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कि बेसिकली आप लोग पैच डाल के खेल सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आजकल ना भाई रियल क्रिकेट गेम्स के पैचेस बनना आम हो चुके हैं, जैसे कि रियल क्रिकेट 20 के पैचेस बनना और उसके साथ ही साथ रियल क्रिकेट 22 के पैचेस भी बन रहे थे। लेकिन अपडेट आया रियल क्रिकेट 24 में कन्वर्ट हो गया गेम रियल क्रिकेट 22 एंड उसके बाद रियल क्रिकेट 24 के पैचेस आना शुरू हो गए। लेकिन उसमें एक अलग ही प्रोसेस है, मतलब जैसे कि आपको पता है मोड्स या कम्युनिटी नाम का फीचर रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर मिला, तो उसके अंदर से पैचेस डाउनलोड इंस्टॉल करके खेल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन वो वाला जो फीचर है वो मतलब पेड है, यानी कि आप लोगों को मंथली पेमेंट देनी पड़ती है तभी जाकर आप लोग रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर रियल जर्सी रियल पैचेस इंस्टॉल डाउनलोड करके खेल पाते हो। लेकिन अगर मैं इसके फ्री वाले पैचेस की बात करूँ तो फिर हम लोगों को मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी कि एक यूनाइटी इंजन ऐप आता है अपने पीसी में, तो वो चीज़ है ना, मतलब उसके थ्रू हम लोग मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि आप पैचेस बना के दो, हम लोग पैचेस डाल के खेलेंगे। ठीक है, अब कोशिश मैं करूँगा पैचेस बनाने की। लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने खुद ही जाना कम्युनिटी नाम से अलाउ किया हुआ है कि आप यानी कि ये वाला फीचर यूज़ करें, इसके अंदर से आपको रियल पैचेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बेसिकली जब से रियल क्रिकेट 24 का जो अपडेट आया है बग फिक्स वाला, तब से लेके ना मतलब इसमें पैचेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो न्यू अपडेट के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे थे कि प्ले स्टोर पर ऑफिशियल न्यू अपडेट कब आएगा रियल क्रिकेट 24 का। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अपडेट हम लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी बग्स हैं रियल क्रिकेट 24 के अंदर, जैसे कि प्लेयर डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, मतलब गेम कभी क्रैश हो जाता है, तो ये मल्टीप्लेयर के अंदर भी बग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी एक अपडेट आएगा बग फिक्स वाला या फीचर वाला अपडेट आएगा, उसके साथ साथ बग फिक्स भी हो जाएंगे। सो आप लोग क्या लगता है, पैचेज़ वगैरह बनाना ठीक होगा या फिर नहीं? इससे कोई रिस्क वगैरह तो नहीं होगा रियल क्रिकेट 24 के पैचेज़ बनाना? आप रियल क्रिकेट 20 की बात रही तो वो तो लग पाता है उसके पैचेज़ मतलब जायज़ हैं, ठीक हैं, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिटी नाम का फीचर तो नहीं है। लेकिन इस गेम के अंदर कम्युनिटी नाम का फीचर है जिसको आप परचेस करके रियल पैचेज़ इन्जॉय कर सकते हो RC24 में। तो आप लोग क्या लगता है, मेरे को पैचेज़ बनाने चाहिए? तो कॉमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर देना। अगर किसी को लगता है कि ये पैचेस बनाना ठीक रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, तभी मैं इसके आगे मतलब इसके ऊपर आगे वर्क करूँगा। सो होप्स कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।